हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति भाषा मिला। आज की वीडियो में हम देखें ये ड्रेस बनाने वाले हैं। आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से हमने इसे बनाया हुआ है। बहुत सुंदर सी ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हुई है। दो नंबर के कान्हा को आपको पहना के दिखा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन मिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे चोली को अंदर करेंगे और अंदर करने के बाद पीछे की साइड से हम बात लेंगे। सेम ड्रेस आप एक नंबर को और जीरो साइज को भी पहना सकते हैं। तो ये ड्रेस आप जीरो, एक और दो नंबर के कान्हा को पहना सकते हैं। वीडियो में मैं आपको दो नंबर कान्हा को पहना के दिखा रही हूँ। और आपको पता ही है कि मेरे पास सभी साइज के कान्हा जी हैं। इन सभी लोगों को मैंने डमी के लिए ही निकाल के रखा हुआ है, जिनसे मैं आपको ड्रेस ट्राई करके दिखा सकूं। इस तरह से इनकी सेवा पूजा नहीं होगी और ना ही ये सेल होंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं कान्हा जी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने बहुत ही सुंदर सी पोशाक इनकी बनाई हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है कान्हा जी के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये हैवी नेट का फैब्रिक लिया है। काफ़ी सुंदर है ये, बहुत अच्छी इसमें साइन भी है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 35 इंच और चौड़ाई मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। ये देखिए 2.75 इंच लिया है, मीन्स 2.5 इंच और 3 इंच के बीच में जितना था उतना। हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से यहाँ रखेंगे और रखने के बाद हम सिलेंगे ये ऐसे करके। जब हम सिलाई लगाएंगे तो देखिए ऐसे अपनी दोनों उंगली से ऐसे करके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी सी फ्रिल बन जाएगी। ये देखिए हमने सिल दिया। फिर यहाँ पे ऐसे दो उंगली रखेंगे और इसे हम प्रेस करके सिलेंगे। देखिए फ्रिल हमारी बन रही है, बहुत बारीक बारीक बनती है। जब हम इस तरफ से ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ सिकन आ रही है, आप देख सकते हैं। और फिर इसी पे हम सिलाई लगा ले रहे हैं। ये देखें कितना इजी है, बहुत ईजिली आप कर लेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसे बनाने में। बस इस तरह से इसे आप फ्रिल बनाइए। आपकी सुई जो है वो अंदर की साइड ऐसे होनी चाहिए। देखिए अंदर है हमारी सुई, जब सुई हमारी अंदर रहेगी तो हम जब इस तरह से प्रेस करेंगे तो देखें ये इसी पे ऐसे सेट हो जा रहा है। ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके देखिए हमें अपने पूरे फैब्रिक पे फ्रिल बना लेनी है। और जैसे हम इधर फ्रिल बना रहे हैं सेम ऐसे हम इस साइड भी फ्रिल बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने अपनी फ्रिल जो है वो बना ली है। अगर मैं आपको इसकी लंबाई बताऊं तो देखिए लंबाई हमारी 8 इंच है। इकट्ठा करके हमने यहाँ पे एक छोटा सा और बना लिया है, इसकी लंबाई जो है हमारी 5 इंच है। यहाँ पे हमने 25 इंच लंबाई का एक पीस और ले लिया था क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए इस तरह से अलग अलग बना के आप ज्वाइंट कर लीजिए, आपका लगेगा कि एक ही साथ बना हुआ है। तो चलिए ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये तो हमारा हो गया है। अब हमने यहाँ पे देखिए ये अस्तर का फैब्रिक लिया है, हमारी लाइनिंग वाला जो फैब्रिक आता है वो 2 इंच लंबाई और चौड़ाई इसकी मैंने ली है। इसे हम इस तरह से देखिए ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे ये इस तरह से। और ट्रायंगल बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से एक साइड से हम इस तरह से ऐसे छोटी छोटी प्लेट बनाना शुरू करेंगे और इस तरह से हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए हमारा इकट्ठा हो गया है। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे ऐसे रखना है, ये पूरे फ्लावर पे आप अपनी एक उंगली रखिए और नीचे से जो फ्रिल बनाई है उसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फ्रिल आपकी थोड़ी सी खुलेगी, बस उसी पे अपनी सिलाई को लगा लीजिए इस तरह से। मैं आपको एक सुई धागे से बना के दिखाती हूँ। सुई धागे से अगर आप बिगनर हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये देखें ये सुई में धागा हमारे पड़ा हुआ है, नॉट लगा लेते हैं इसमें। और यहाँ से अपना एक पीस ले लेते हैं हम 2 इंच लंबाई और चौड़ाई का। बहुत इजी है गाइस, एकदम इजीली आप कर सकते हैं। ये देखें हमें क्या करना है, इसे ऐसे ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद ये देखिए ये जो पूरा हमारे ट्रायंगल का खुला वाला हिस्सा है इसे ही हमें आपस में इस तरह से सिल देना है। दोनों तरीका बता दे रही हूँ आपको, जो ईजी लगे उस तरीके से आप इसे बना लीजिए। देखिए एक बार हमने यहाँ तक सिला और उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल हम सिलाई यहाँ भी लगा लेंगे ये इस तरह से। ये हमने सिल दिया, अब हमें इसे ऐसे खींच के इकट्ठा कर लेना है।
ये देखिए हमारा इकट्ठा हो गया, ऊपर से हमारा फ्लावर जो है वो बन गया है। बस यहाँ पे आप नॉट लगा के इसे कट कर लीजिए, आपका देखिए फ्लावर बन के रेडी हो गया। आपने देखा कितना इजी था। तो आप चाहें तो सिलाई मशीन से बनाइए और आप चाहें तो इस तरह से ऐसे करके बना लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, फ्लावर हमारा सेम ही आएगा। हमने यहाँ पे काफ़ी सारे पीसेस बना के रखे हुए हैं, ये देखिए इस तरह से। हम क्या करेंगे, इन सभी पीसेस को अटैच करेंगे, सब मैंने सिलाई मशीन से ही बनाया है। ये देखिए इस तरह से अटैच करना है, यहाँ ऐसे करके इसके ऊपर रखना है, ऐसे ऐसे करके हम रख के सिल देंगे सभी को। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है आपको। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर में कट करके रखा हुआ है, ये देखिए अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। चलिए सिल देती हूँ, फिर बताऊंगी आगे क्या करना है। नीचे की साइड से ही सिलना है हमें। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी, सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसे हम एक बार इसे सेट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी, हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा दी, इसे हमने देखिए मोड़ लिया था एक्स्ट्रा छोड़ के, और इधर से तो ये देखिए हमारा लॉक है ही। अब हमें क्या करना है, ये पूरा हमें ऐसे पलट लेना है। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन आएगा, एकदम डिफरेंट स्टाइल की ड्रेस मैं आपको बनाना बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हम इसे पलट लेंगे, जब हम पीछे से सिलाई लगा के इस तरह से पलटते हैं तो काफ़ी ये उभरा उभरा हुआ सा आता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए ये इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी इसकी घेर आ रही है ऐसे करके। अब हम यहाँ पे अपने मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिल के ज्वाइंट कर लेती हूँ दोनों को, फिर बताऊंगी आगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, सिलाई लगाने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद इसे हम यहाँ देखिए सिलाई के पास से कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना है सिलाई के बाद हमें, पीछे से हमारा इसमें नेट भी कट हो रहा है तो ये एकदम हमारा बराबर हो जाएगा। ये इस तरह से देखिए हमने कट कर लिया, ये हमारा कुछ इस तरह का पीस आया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हमारा पीस अब तो रेडी हो गया, हमने यहाँ पे सुई में धागा डाल लिया हुआ है और हम इसे ऊपर की साइड इस तरह से सिलेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के नीचे नीचे से हमें इसे सिल देना है। ये देखें बहुत इजी है गाइस, और बहुत खूबसूरत सी आपकी ये ड्रेस बन के रेडी होगी। ये इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ये देखें ये ऐसे कच्चा हम इसे बोलते हैं, ये देखें फटाफट से ये हमारी सिलाई लग जाती है। हमें यहाँ पर बस इसे खींच के इकट्ठा करना है, ये देखें इस तरह से बहुत खूबसूरत सी ड्रेस बनेगी। और इसे आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं, मैं आपको छोटे साइज में बता रही हूँ आज, ये ऐसे करके। और ये जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ये आप परचेज भी कर सकते हैं मुझसे, इसमें आपको मेरे पास दो तीन कलर मिल जाएगा। आप मुझे 7237862439 7236 86 24 39 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये घेर आ रहा है इसका, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए गोल सा एकदम। तो इसे हम एकदम पूरा खींच लेंगे, ये देखिए इस तरह से इतना खींचना है कि आपका ऐसे सर्कल हो जाए। ये देखिए हमने खींच लिया है और अब खींचने के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे, ये ऐसे करके हमने नॉट लगा दी जिसे अभी हमारा खुलेगा नहीं, यहीं पे हमारा ये सेट हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे अपना अस्तर वाला फैब्रिक ले लिया है, इसमें से हम इस तरह से देखें तिरछी पट्टी कट करेंगे, और एक पट्टी बोलते हैं इसे हम, ये इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये हमने देखिए तिरछा फैब्रिक कट किया है, इसी में से हम ऐसे तिरछी ही पट्टी निकालेंगे, ये ऐसे करके। इसकी चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है, ये मैंने देखें तिरछी पट्टी निकाल ली। अब इसे हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे
और कट करने के बाद इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ेंगे और ये अपना सर्कल लेना है हमें। इस पर हम पीछे की साइड से इस तरह से पूरे राउंड पे सिल लेंगे। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। यहाँ पे दो चीज़ का ध्यान दीजिए, सिलाई को लॉक करिए और ये दोनों आपका डबल ही रहना चाहिए, सिंगल ना हो कहीं भी। ये देखिए हमने सिल दिया। सिलने के बाद यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी का कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह से सीधी साइड पे लेके आना है। ये देखें, ये ऐसे करके हमने सीधी साइड पे ले आया और यहाँ पे जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है इसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये रेडीमेड डोरी ली है। ये सारी चीज़ें आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, टिश्यू रिबन, डोरी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चेक करिएगा एक बार, कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे आपको कैटलॉग मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से ऐसे हम इसे मोड़ लेंगे और यहाँ डोरी हमारी इसके अंदर रहेगी और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त दो चीज़ का ध्यान दीजिए, पहली चीज़ सिलाई को लॉक करिए और दूसरी चीज़ डोरी के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है। ये हमने सिल दिया है। अब देखिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक ले लिया, इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, इसे हम कम कर लेंगे, 10 इंच है और चौड़ाई हमने रखी है 1.75 इंच, मीन्स 1 इंच और सॉरी 1.5 इंच और 2 इंच के बीच में जितना आता है उतनी। हम इसे देखें इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हमें एक बार और मोड़ना है और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यह हम अपनी चोली बना रहे हैं, चलिए सिल देती हूँ। ये देखिए हमने सिल दिया। सिलने के बाद हम यहाँ पे इसे इस तरह से ऐसे डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ इसे हमें ऐसे करके सिल लेना है। ये देखें ये वी शेप आ जाएगा हमारा, इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। एकदम इजी है गाइस, ये देखिए ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद कट करेंगे और कट करने के बाद ये हिस्सा यहाँ सेंटर पे रख के सिल देंगे। चलिए सिल देती हूँ इसे मैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया। सिलने के बाद ये ऊपर की साइड से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब ये हमें क्या करना है, इसे इस तरह से यहाँ नीचे से हमें जॉइंट कर लेना है। तो सुई धागे की हेल्प से हम इसे सिल के जॉइंट कर देंगे। ये देखिए सुई में हमारे धागा है ग्रीन कलर का, यहाँ से ये इन्हीं दोनों को इस तरह से पकड़ना है। बस ये इतनी ही दूर सिलेंगे, ये नहीं कि आप पूरा आप सिल दें एकदम, तो फिर आप पहना ही नहीं पाएंगे, पूरा नहीं सिलना है, बस इतनी ही दूर सिलना है। सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से बहुत खूबसूरत सी ये ड्रेस हमारी बनके रेडी होती है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे ट्राई करिए, आप इसे इजीली बना लेंगे। ये देखें ये हमने यहाँ पे इसे सिल दिया सिलने के बाद। और इस तरह की ड्रेस जो है वो बहुत मजबूत होती है, आप काफ़ी टाइम तक पहना सकते हैं, जल्दी ख़राब ही नहीं होगी। ये हमने नॉट लगा के कट कर दिया। अब हमारी जो ड्रेस है वो पूरी रेडी है, चलिए पहना के दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने 2 नंबर के काना को पहना दी है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आ गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दिया तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये देखिए बैठाने पर भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।